महिलाएं हो, बच्चे हो, या फिर युवा हर किसी की पहली पसंद जो है वो है गोलगप्पे लेकिन गोलगप्पा जो आप खाते हैं वो कितना शुद्ध है कितना स्वादिष्ट है इसको लेकर के गढ़वा से रांची के स्टेट फूड लेबोरेटरी में एक सैंपल आया था उसमें जो गोलगप्पा के साथ जो पानी रहता है उसकी जांच के लिए यहाँ पर आया हुआ था उसकी जो रिपोर्ट आई है वह बेहद चौंकाने वाली है अभी हमारे साथ चतुर्भुज मीणा साहब हैं इनसे हम बात करते हैं उससे पहले कुछ दिखलाना चाह रहे हैं चतुर्भुज साहब क्या दिखलाना चाह रहे हैं देखिए ये अखाद्य रंग मेटानील येलो है गाय छाप कलर है इसका आप पीछे देखेंगे तो पैकेट भी रखा हुआ है ये गाय छाप इसमें मिलाया जाता है तो ये इसका कलर इस तरीके से गुलाबी चेंज हो गया था तो ये उसकी बात की निशानी है कि इसमें जो इमली का तेजाब या नमक वो नींबू का तेजाब अर्थात साइट्रिक एसिड या टाइट्रिक एसिड के बजाय ये जो कारखाने के रंग रह कारखाने का जो अम्ल रहते हैं एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये यूज किया गया है इस बात की निशानी है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होता है क्योंकि जो गढ़वा से जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट था कि हार्पिक कुरपिक मिलाते हैं उसमें लेकिन आपका जो टेस्ट आया है उसमें आया है कि जो कारखाने में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल इसमें हुआ है तो ये कितना खतरनाक होता है देखिए देखिए हार्पिक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात तो वही कारखाने का रंग रहता है हार्पिक का रंग ब्लू कलर का रहता है तो काफ़ी डाइल्यूशन के बाद हो सकता है कि हम ब्लू कलर दिखाई दे या ना दिखाई दे लेकिन जो मैंने कहा कि कारखाने का रंग है तो वह हार्पिक में कारखाने का रंग अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है तो असर आपने जो रिपोर्ट भेजी है तो कितना ख़तरनाक होता है ये जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बात कर रहे हैं ये आ, किस अमाउंट में कितना खतरनाक है ये तो डॉक्टर ज़्यादा बता सकेंगे लेकिन ये खतरनाक है और कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड मतलब ये जो कारखाने का एसिड है ये खाया नहीं जा सकता है दांतों पे भी नुकसान करता है आँतों पे भी नुकसान करता है एक सर और भी बात आती है कि जो भी फुचका होता है गोलगप्पा होता है तो वो उसमें यूरिया लोग मिलाते हैं उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है देखिए मतलब पुष्टि वाली तो जानकारी नहीं है लेकिन ये बात ज़रूर देखने में और सुनने में आई है कि आ, यूरिया या नौसादर या ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आ, किसी आ, आटे को या आटे के घोल को आ, जिसको साधारण भाषा में उठाना कहते हैं अर्थात तो उसको रख देते हैं और अंग्रेजी में लिवनिंग कहते हैं या साधारण भाषा में उठाना कहते हैं तो उससे वो नरम और आ, आ, ये फ्लफी मतलब जिसमें जैसे ब्रेड फ्लफी हो जाती है ऐसे इन उसके लिए ये जिन जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके लिए ये खाने का काम करता है ये बहुत तेज़ी से उनको बढ़ाता है तो ये जो मतलब अगर यूरिया कोई मिलाता है किसी चीज़ में या अमोनियम क्लोराइड कोई मिलाता है तो वो बेहतर आटा बन जाए डफ क्वालिटी अच्छी हो जाए उसके लिए मिला सकता है आ, इस बात की संभावना है तो सर ये जब गढ़वा वाली जो रिपोर्ट आई उसमें अब आप आप, आप लोग क्या कर रहे हैं इसकी जांच की जा चुकी है और इसकी रिपोर्ट अब आज मतलब वहाँ गढ़वा में भेज दी जाएगी तो उसके बाद जो संबंधित के विरुद्ध वहाँ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक्शन लेंगे तो देखिए जो तरीका है वो यही है कि फूड टेस्ट लेबोरेटरी में जो भी जांच के लिए आता है उसकी रिपोर्ट उस जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेज दी जाती है क्योंकि गरवा से यह सैंपल आया था जो फुचके के साथ हम पानी इस्तेमाल करते हैं खट्टा पानी स्वादिष्ट पानी उस पानी की जांच थी और उस पानी में यह आया है कि इसमें जो कारखाने में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल उसमें ज़रूर मिला है अब वह हारपिक भी हो सकता है इसकी संभावना जताई गई है लेकिन एक चीज़ तो तय तो है कि उसमें हानिकारक एसिड मिला है कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र ई भारत रांची